एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द इन्वेस्टर लॉजी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे, जो है थ्री स्टॉक्स जो आप लोग कल बाय कर सकते हैं एंड मार्केट का आउटलुक हम लोगों को क्या लग रहा है। अब गाइस, हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा यूट्यूब का वीकली टाइम फ्रेम आपको बता रखा है कि संडे और ट्यूसडे हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए थ्री स्टॉक्स के लिए। मंडे एंड थर्सडे हमेशा हम लोग लाइव रहेंगे यूट्यूब पे मार्केट के टाइम पे, और आपको बताएंगे आप कौन से स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हो, मार्केट में कौन से ट्रेड्स आप लाइव मार्केट पे ले सकते हो। एंड एवरी सैटरडे आप लोगों को एक लर्निंग वीडियो हमारी तरफ से मिलने वाली है। सो यस गाइस, अपकमिंग सैटरडे आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो मिलने वाली है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा है तो वो पहली वीडियो होने वाली है जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड्स लेना है, कौन से बढ़िया स्टॉक्स हैं, उसकी तरफ कैसे हमें एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई करनी है। गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अब आ चुका है 2020-21 इस तरीके से निकला है कि अब हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो साल आए भी थे नहीं आए थे। बट गाइस, अब 2022 आया है। अगर आप लोग अभी तक मार्केट के अंदर है, आपको लगता है आप अभी मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाओगे और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली लगता होगा। सो गाइस, अगर आप मुझे फॉलो करते हो या मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हो तो मैं आपसे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज है और एक डिफिकल्ट डिसीजन है जो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, बट अब से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसके साथ रहना है। इन द सेंस, देखिए, जब भी कोई स्टॉक मार्केट के अंदर पहली बार आता है, देखिए जिसे नॉलेज है, ऑलरेडी अच्छी खासी नॉलेज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो पहली बार मार्केट के अंदर आया, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें अभी तक कुछ आता नहीं है ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि प्लीज फाइंड द मेंटोर। आप जब तक मेंटोर फाइंड नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे। बिकॉज अगर आप एक चार्ट पैटर्न के ऊपर कोई दूसरे यूट्यूब को देख रहे हो, उसके बाद उसी यूट्यूब वाली वीडियो को और जगह अलग यूट्यूबर्स को जाके देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर सीखा एंड आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे गए एंड आपने वहां पर सारी चीजें सीख ली एक ही पैटर्न से, सो गाइस आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो और मार्केट के अंदर आप ज्यादा लॉन्ग रन पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये मैंने सीख लिया है, इसी जो मैं अपनी गलतियां पास्ट में कर चुका हूँ, जब मैंने पहली बार स्टार्ट करा था ये चीजें करके, तो मेरे को पता है कि आप लोग ये फेस करने वाले हो और आप लोग अभी भी फेस करते होगे। आप मल्टीपल चैनल्स पे चले जाते होगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी रिलायंस बाय कर रहा हूँ, बाय के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कोई और चैनल में जाते हो वहां सेल के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ना माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा। सो प्लीज स्टिक विद वन और टू यूट्यूबर्स और वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेट करो। आप खुद आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए कौन सूटेबल है। मैं नहीं कह रहा सिर्फ मैं सूटेबल हूँ, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस जो आपको बहुत अच्छे से कोई यूट्यूबर पढ़ाता है तो आप उसको जाके ऑप्शंस के लिए सिर्फ फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि कोई प्राइस एक्शन वाला है वो आपको और अच्छे से पढ़ाता है तो आप उसको जाके फॉलो करो, साइकोलॉजी के लिए एक को जाके फॉलो करो। बट ये नहीं है कि आप ऑप्शंस के लिए मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को जाके फॉलो कर रहे हो और उनकी सारी चीजें सीख रहे हो, यहां पर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ गाइस, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो अगर आप लोग मेरे थ्रू ट्रेड्स ले रहे हो, मैं अपने पोल्स क्रिएट करते रहता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हमारे थ्रू ट्रेड्स ले रहे हैं एंड यस दे आर अर्निंग एज वेल एज उनको थोड़ा बहुत लॉस होता भी है, बट इवेंचुअली वो लोग मंथली बेसिस पे कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। सो गाइस स्टिक विद दैट। अगर आपको लगता है कि कोई और बेटर है तो प्लीज स्टिक विद देम ऑल्सो, बट आप एक ही को चूज करो। मेरे हिसाब से अब ये 22 का रेजोल्यूशन आपको बनाना है स्टॉक मार्केट के लिए, और यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा गाइस सीरियस होना पड़ेगा। यस, दो तरीके के मार्केट के अंदर लोग आते हैं, पहला जो सीखना चाहते हैं और फिट ट्रेड लेना चाहते हैं, दूसरे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जो सीख नहीं सकते बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम द मार्केट एंड वो रिकमेंडेशन दूसरों के लेते हैं। बोथ आर करेक्ट थिंग, कोई भी गलत चीज नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं सीख सकते, तो अगर मार्केट के अंदर ऐसे लोग नहीं होंगे जो आप लोगों को नहीं ऐसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे तो आप मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो मेरे हिसाब से दोनों लोग बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों लोग बिल्कुल ठीक है। सो फाइंड आपको करना क्या है, पहले आप एक डिसीजन बनाओ एंड उसके बाद उस चीज को फॉलो करो। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का इस चीज के लिए टाइम लिया था कि आपको एक सही रास्ते में मैं लेकर चल पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इस हफ्ते सैटरडे फ्राइडे तक मैं जो भी यूट्यूब और टेलीग्राम पे आपको बताऊं, प्लीज डू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। और अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अगर कुछ पता चलता है कि हाँ इससे मुझे
फायदा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है तो प्लीज स्टे, अदरवाइज आप कोई नए चैनल की तरफ जाओ, बट आप जल्दी डिसीजन लो, बिकॉज अगर आप एक जगह अटके रहोगे तो मेरे हिसाब से आने वाले फ्यूचर में आपको दोबारा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। मैंने ऐसा पास्ट में बहुत बार फेस करा है 5 साल पहले से, सो मेरे को पता है कि आप लोग ऐसी चीज फेस कर सकते हो, ये आपके भले के लिए है। डेफिनेटली गाइस गो एंड पूरा सर्च कर लो यूट्यूब, और आपको जो जो पसंद आ रहा है टिक मार्क लगाओ, नाम लिखो, उनके ऊपर डिप्ट एनालिसिस करो, इन सारी चीजों के बेसिस पर जाके एक डिसीजन लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लगता है कि यार ये वाला यूट्यूबर से मेरे को अभी ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा या मुझे नहीं दिख रहा, प्लीज अनसब्सक्राइब हिम, क्योंकि अगर आपको सब्सक्राइब करे रखोगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तो वहां पर आप दोबारा उसे क्लिक करने की कोशिश करोगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। गाइस प्लीज स्टे अलर्ट, अगर आप मार्केट में सीख रहे हो तो इस तरीके से सीखो, स्टार्ट दिस स्टेप, उसके बाद आगे फर्दर अपने डिसीजन को कंटिन्यू करते रहना। सो चलिए, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया होगा, बट अब स्टार्ट करते हैं अपने कल के सेशन के लिए कि कल का सेशन किस तरीके से करना है एंड किस तरीके से उसे ग्रो करना है। क्योंकि मैं आप यूट्यूब के, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने उनकी एनालिसिस को स्टडी करा, नॉट इन द चार्ट्स एनालिसिस, बट वो यूट्यूब को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, एंड तब मैंने अपने यूट्यूब का एक मेकओवर चेंज करा है, तो मैं उसके साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरा वही मोटिव है कि एवरी सैटरडे आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाऊं जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर होना कंटिन्यूअस बेसिस ग्रो करते रहो और अपनी अर्निंग को साइड बाय साइड स्टार्ट करते रहो। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं सीख सकते, बट मैंने उनके लिए भी अपना टेलीग्राम बना रखा है, सो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। नहीं पसंद आता तो आप जा सकते हो, बट प्लीज आप अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हैव अ वेरी गुड डे। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है राणा शुगर। राणा शुगर्स पे हम आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। रिसेंटली मैंने कल लाइव आया था, तो मैंने कल लाइव पे आप लोगों को बताया था यू कैन बाय धामपुर शुगर, और धामपुर शुगर आज 20% का अपर सर्किट लगाया एंड बहुत बढ़िया रिटर्न हम लोगों ने जनरेट करा। आई विल शो दैट ऑल्सो टू यू, बट मेरे हिसाब से अब राणा शुगर भी एक ब्रेकआउट दे रहा है, इसके भी अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड आई थिंक ये स्टॉक भी बेटर हो सकता है। तो लेट मी शो यू कि हम लोगों ने यहाँ पर क्यों बाय सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप लोगों को हर चीज लर्न करनी है, जो जो मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ पहले समझो कि मैं क्यों दे रहा हूँ, नोट करो उसे अपने चार्ट्स पे जाके एग्जैक्टली सेम ड्रॉ करो एंड उसके बाद उसको देखो लाइव मार्केट पे कि वो कैसे ऊपर जा रहा है। ये सबसे पहला स्टेप है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल हमें सपोर्ट्स देखने को मिल रहे थे, आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, फाइनली ब्रेकआउट दिया, ये इसके लिए सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना एंड मल्टीपल बार इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया एंड आफ्टर दैट जाके इसने अपना ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था एज यू कैन सी, एंड फाइनली जाके इसने यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन पे अपना एक ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, एक अच्छा पेनेंट बुलिश पेनेंट पैटर्न बन रहा है, बिकॉज एक रैली थी, आफ्टर अ वेरी गुड रैली ये एक रेंज के अंदर रहा, कंसोलिडेट करते रहा और फाइनली एक अच्छी कैंडल के साथ जाके इसने ब्रेकआउट देख अपर सर्किट लगाया। दूसरी चीज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप चेक करिएगा इस लाइन के नीचे, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम्स अगर देखोगे तो जब रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ ना, आप देख सकते हो वॉल्यूम्स पूरे तरीके से गायब हो गए, पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। वॉल्यूम्स का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला और फाइनली आज जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम्स बहुत तेजी से स्पर कर रहे हैं। तो गाइस ये प्राइस एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है वीसीपी जिसे मैं कहता हूं, तो मेरे हिसाब से यहां पर एक अच्छा बाय सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो हम जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टारगेट्स, लेट मी शो यू कि हम टारगेट्स कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद अभी जो प्राइस चल रहा है वो इस लेवल पे चल रहा है, हम अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के थोड़ा सा नीचे रखेंगे एंड हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी द प्रीवियस हाई। सो मेरे हिसाब से अगर हम लोग बात करके देखें तो 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें देखने को मिल रहा है एंड सबसे बढ़िया जो सपोर्ट बन सकता है, सबसे बढ़िया सपोर्ट बन सकता है ये रेड कलर की लाइन दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल बार हम लोगों को वॉल्यूम्स ज्यादा स्पर होते हुए देखने को मिले हैं। सो मेरे हिसाब से एक छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है,
29.55 रुपीस के लेवल पे। सो कल अगर आप लोग बाय करते हैं, अगर आपको इसी लेवल पे मिलता है तो यू कैन गो लॉन्ग। अगर आप एज अ इंट्राडे ट्रेडर हो तो 29.55 पे आप एग्जिट कर सकते हो, बट अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर हो तो यू कैन स्टिल होल्ड दिस पोजिशन विद अ टारगेट ऑफ 35 to 38 रुपीस। एंड प्लीज ट्राई टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। अब कैसे करना है मैं इसी स्टॉक में बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर ये कल 2 रुपये ऊपर बढ़ता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से 1 रुपये ऊपर ले आओगे। अगर कल ये 2 रुपये अगले दिन दोबारा ऊपर बढ़ता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को 1 से 1.5 रुपये दोबारा ऊपर ले आओगे। और अगर ये फिर ऊपर बढ़ता है तो अपने स्टॉप लॉस को अपने बाइंग प्राइस पे ले आओगे। इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता कि मार्केट क्या अपने इजी स्टॉक इस लेवल तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। वी आर प्रिडिक्टिंग, हो सकता है वो यहां से बहुत शार्प फॉल कर दे। तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां एग्जिट करने के मुकाबले अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पे ले आए ना, तो आपका लॉस होगा नहीं, आप जल्दी प्रॉफिट्स भी बुक कर पाएंगे एंड आप सेफली ट्रेड में रहेंगे। सो रान शुगर हमारा सबसे पहला स्टॉक है, बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है दिव्यानी इंटरनेशनल। दिव्यानी इंटरनेशनल पे अगर आप क्लियरली एक चीज को फॉलो करेंगे तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि यहां से एक स्टॉक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक फॉल करा, ऊपर गया, इधर आके इसने पॉज लिया एंड दोबारा ऊपर गया। सो लेट मी शो यू यहां पर इसने पॉज लिया क्यों। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया जिस लेवल से स्टार्ट करा था वहीं से एक कंटिन्यूस फॉल देखने को मिली। आफ्टर दैट गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट, इसी लेवल पे रीटेस्ट लिया एंड दोबारा ऊपर गया। दोबारा ऊपर देख जाने के बाद इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा नीचे आया एंड अब इसी लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। सो यानी कि पहले जो चीज रेजिस्टेंस हुआ करती थी, आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट एंड गिविंग अ रीटेस्ट, वो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। और यहां पर फिर हम लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। सेम ऐसा हुआ यहां पर, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, दोबारा नीचे आया, यहां पर इसने एक सपोर्ट लिया, डबल बॉटम क्रिएट करा एंड यहां से अब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। सो फ्रॉम माय साइड दिव्यानी इंटरनेशनल एक बढ़िया स्टॉक बन सकता है। ये 172 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, एक छोटा सा हर्डल है 175 रुपीस पे। अब यहां पर आपको वो दिख नहीं रहा होगा कि 175 का हर्डल कैसे हो सकता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू द साइकोलॉजी ऑफ दिस स्टॉक, लेट मी शो यू। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ये टॉप था, आफ्टर दैट एक कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिली, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और ग्रीन कैंडल ने इस लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। लेट मी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लेवल पे जाके ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया, आफ्टर दैट क्या हुआ, अब हमें चाहिए था अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है या फिर ये स्टॉक टर्न अराउंड कर सकता है। हुआ क्या, ये अगले दिन ऊपर गया, अच्छी मूवमेंट दी, बट पूरे टाइम नीचे आ गया और क्लोज इसी ट्रेंड लाइन के नीचे करा, यानी कि इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के नीचे जाके ही क्लोज करा। नेक्स्ट दिन उसने दोबारा ट्राई करा, बट सेम हैपेंड और वो और जाके नीचे क्लोज करा एंड एक फॉल दोबारा आ गई। फॉल आने के बाद एक बहुत अच्छा इसने सपोर्ट लिया, दोबारा अगली कैंडल ने ट्राई करा, इट ट्राई बेस्ट, उसके बाद दोबारा उसी लेवल पे आया और एक फॉल आ गई एंड वही सेम चीज हैपेंड हो रही है। अब ये एग्जैक्टली दोबारा इस लेवल पे आ चुका है 172 रुपीस पे। अभी जैसे ही इस ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी तो ये जो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड या एक रिवर्सल में चेंज हो जाएगा। क्यों, सबसे पहली चीज तो एक फॉल आई, यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो चुका है, एक डबल बॉटम क्रिएट हो चुका है और उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एक क्लोजिंग थी बट उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग देने की कोशिश करते रहा बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो अगर आप एज एन इंट्राडे ट्रेडर हो तो कल अगर आपको इसी लेवल में मिलता है गो लॉन्ग, 175 रुपीस के आसपास आप एग्जिट कर देना, 3 रुपए बहुत इनफ होते हैं। और अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड रहना चाहिए। अगर ये कल भी रेजिस्टेंस लेता है तो परसों या तरसों ये डेफिनेटली ब्रेकआउट देगा और हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है, अपने लोस पे डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है और बार बार रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रहा है और ऊपर जा रहा है। सो फ्रॉम माय साइड ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर मैं चेक और अच्छे से उसे करना चाहूँ तो ये रहा मेरा बॉटम, ये रहा मेरा टॉप। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर इसने पॉज लिया और यहाँ पर पॉज लेने के बाद अभी ऊपर जा रहा है। सो मेरे हिसाब से एक अच्छी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 190 प्लस के टारगेट्स हम इसमें देख सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेड। ये था हमारा दूसरा स्टॉक। आई होप आपको कुछ समझ में आया कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है किसी स्टॉक की। अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक की। सो गाइस हमारा थर्ड स्टॉक और आखिरी स्टॉक है गुजरात अल्कलीज। गुजरात अल्कलीज भी मैं ऑलरेडी बाय के लिए आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ एंड ये तीनों स्टॉक जो मैंने दिए ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिए हैं। तो अब ये स्टॉक बाय करने का रीजन क्यों है,
सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो इस पे भी वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। मैं जनरली वॉल्यूम्स को ट्रेड करता नहीं हूँ वॉल्यूम्स के बेसिस पे, बट कहीं पर अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट और अच्छे से फाइंड करना हो तो मेरे लिए वॉल्यूम्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता वॉल्यूम्स के टाइम पे, बट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी शो यू एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमें मिलेगा। आप सबसे पहले देख सकते हैं एक अच्छी खासी मूवमेंट आई, अच्छी खासी मूवमेंट आने के बाद स्टॉक नीचे आया, यहाँ इसने एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करा और एक अच्छी रैली दोबारा दी। आफ्टर दैट एक दोबारा बहुत शार्प फॉल आया, इस लेवल पे इसने एक दोबारा बेस क्रिएट करा एंड बेस क्रिएट, अब यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा खासा इसने रेंज बनाया है, ठीक है। रेंज बनाने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ड्रॉप एक रेंज है और अब एक रैली हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसे स्टॉक्स पे बाय के लिए क्यों जाता हूँ? मैं बाय के लिए जाता हूँ जब मैं अपना एक मेजर ट्रेंड देखता हूँ। मेजर ट्रेंड यानी कि थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड अगर मैं देखता हूँ तो हमें पता चलता है कि स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। सो कभी भी अगर हम लोगों को एक अच्छी डिप मिलती है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ लेस देन से 1 week और मिनिमम ऑफ 2 weeks। सो मेरे हिसाब से ये भी एक स्विंग ट्रेड का कैंडिडेट बन सकता है। दूसरी चीज, हम लोगों ने जब सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा तो पता चला एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकआउट पे ही हमें बाय सजेस्ट नहीं करना चाहिए था, हमें बाय करना है इस लेवल के ऊपर। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको वॉल्यूम्स के बेसिस पर समझाता हूँ, आपको उसका रोल पता चलेगा। सो लेट मी शो यू। सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप चेक करोगे इस लेवल पे, इस लेवल पे, ये ब्लैक कलर की लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं कि आपके लिए और इजी हो जाए समझना, ठीक है। इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ओके। सो यहां पर आप चेक करेंगे जब ब्रेकआउट दिया था, ये 20 डेज की मूविंग एवरेज है जो वॉल्यूम्स के अंदर है, ये 20 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दिया वॉल्यूम ने इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा जब ऊपर जाते रहा और नीचे आ गया, कोई बात नहीं, इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ये नीचे आ गया। इस कैंडल ने दोबारा कोशिश करी और कोशिश करने के बाद इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, बट इसने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश करी। अब आप चेक करिएगा ये कोई भी कैंडल्स, सिर्फ ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और आज की कैंडल, इन कैंडल्स को छोड़ के कोई भी कैंडल, आप वॉल्यूम बार देख सकते हो, कोई भी वॉल्यूम इस 20 पीरियड के ऊपर गया नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये वाली कैंडल ने ट्राई करा ऊपर जाने की, इसके ऊपर ब्रेक करने की, नहीं कर पाई, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ। उसके बाद ये वाली कैंडल ने भी ऊपर जाने की कोशिश करी, इस रेंज के ऊपर जाने की कोशिश करी बट पूरा नहीं कर पाया और वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर आया। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है जब इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है और वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है बार बार। दूसरी बात आप देख सकते हैं इस कैंडल ने भी ट्राई करा और वॉल्यूम इसके ऊपर गया, बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज के दिन भी वॉल्यूम इसके ऊपर गया है, इस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और आज भी इसने ट्राई करा है। आप देख रहे हो जब भी वो उसके पास आता है वॉल्यूम का, जो 20 डे का मूविंग पीरियड है वो ऊपर चले जाता है वॉल्यूम का बार, बट ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता। बट अगर अब मैं चेक करूं कि इसने एक बहुत अच्छा रेंज डेवलप कर लिया है और अब ये फाइनली ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों हम एक इसके ऊपर ब्रेकआउट देख सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट आता है और वो ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो गाइस ये एक ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट कर देगा और मिनिमम टू मिनिमम हम 720 to 750 rupees के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी करंट प्राइस 670 rupees का चल रहा है गुजरात अल्कलीज के अंदर। सो आई होप आपको अब एनालिसिस पता चली, एवरीथिंग इज प्राइस, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द प्राइस एंड साइकोलॉजी। जब तक आपके पास प्राइस आपको देखना आता और आपको साइकोलॉजी नहीं आता, वर्क नहीं कर सकते, आपको दोनों चीजें चाहिए। सो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग इस सैटरडे और संडे को, अपकमिंग सैटरडे 8th और 9th को 2 webinars कंडक्ट कराने वाले हैं। पहला वेबिनार होने वाला है साइकोलॉजी से रिलेटेड एंड दूसरा वेबिनार होने वाला है फ्लैग एंड पोल पैटर्न से रिलेटेड। गाइस जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट की तो सबसे पहला पैटर्न जो मैंने सीखा था फ्लैग एंड पोल ही सीखा था। किस तरीके से मैंने वहां पर गलतियां आइडेंटिफाइज करी थी, ये यूट्यूब वाला जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंड कैसे मैंने अपनी खुद की टेक्निक को डेवलप करा था, ये सारी चीजें आपको मैं इस वेबिनार के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सो यू कैन ज्वाइन, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे सारी चीजें कवर करने वाले हैं और गाइज ये एक्सक्लूसिव होने वाला है वेबिनार जो अभी तक आपने पूरे यूट्यूब प्लस गूगल पे अगर आप सर्च भी करोगे ये सेगमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला जो सिर्फ फ्लैग पैटर्न के अंदर हम लोग कवर करवाने वाले हैं।
प्लस इसके साथ आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप लोग अपने लिंक्डइन या फिर रिज्यूमे में डाल सकते हैं। मनी बैक गारंटी है। अगर आपको लगता है कि हमने बिल्कुल सेम पढ़ाया जो यूट्यूब और गूगल में है तो आप हमसे पैसे दोबारा वापस ले सकते हैं। प्लस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एक हफ्ते के लिए, इससे आप दोबारा अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हमारा एक वर्कशॉप है जो 8th of January को है, और यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है। ह्यूमन प्रॉब्लम जो 1% और 99% को अलग करता है। इसके अलावा कैसे हमें साइकोलॉजी का एक्सपर्ट बनना चाहिए, नॉट चार्ट्स एक्सपर्ट, क्योंकि चार्ट एक्सपर्ट तो सब लोग हैं, सबको पता है डबल बॉटम, सबको पता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बट तब भी वो लोग ट्रेड लेके क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं, उसके लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस ये दोनों वर्कशॉप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये तभी साइकोलॉजी वाला 8th को रखा है और फ्लैग पैटर्न 9th को रखा है कि आप एक बार साइकोलॉजी को समझ जाओगे ना, फ्लैग पैटर्न आपके लिए समझना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। So, मेरे हिसाब से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे पूरा ये पेज पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो यू कैन रिजर्व योर सीट, और आप अगर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइस मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि आप दोनों को ज्वाइन करें, क्योंकि दोनों बिल्कुल कनेक्टेड है और वहां पर आपका जो मार्केट का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको चेकआउट करनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, एंड निफ्टी के चार्ट पे अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी कंटिन्यूस मूवमेंट, बहुत अच्छी मूवमेंट देने के बाद ये कुछ टाइम के लिए एक रेंज के अंदर चला गया था, लोअर लोज एंड लोअर बॉटम्स बना रहा था, वो रहा शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। एंड आफ्टर दैट इसने एक बहुत अच्छा अपने चैनल का ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। गाइस अगर आपको मैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आप चेक करिएगा मूवमेंट को, जो कल की कैंडल थी एग्जैक्टली अपने टॉप पे क्लोज करी है, एग्जैक्टली टॉप पे कोई विक नहीं बनी है, इतनी छोटी विक वैसे मायने नहीं रखती है, वो तो डेफिनेटली होती है, बट एग्जैक्टली टॉप पे जाके क्लोज करी है बिल्कुल हाई पे। आज के कैंडल भी थोड़ा सा नीचे विक गई, थोड़ा सा नीचे शुरुआत पे सेलिंग प्रेशर आया, बट आफ्टर दैट ऊपर टॉप पे जाके क्लोज करी है। इन बिटवीन भी हम लोग देख रहे थे बार बार सेलिंग आने की कोशिश कर रही थी, बट कॉल राइट पुट राइटर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए थे, कॉल बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव थे कि इसने अपने इंडेक्स को ऊपर तक जाके पुश करा और अपने एग्जैक्टली डे हाई पे जाके क्लोज करी है। सो मेरे हिसाब से मार्केट में अभी तक सेलर्स है नहीं, मार्केट के सेलर्स ट्राई कर रहे हैं टू पुश द इंडेक्सेस टू गो डाउन, बट वो नीचे नहीं जाना चाह रहा। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी मिल नहीं रही है, पूरी मार्केट में हमें बाय ऑन डिप मिला ही नहीं है, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस मार्केट ऊपर जाती रही है। सो हमें करना क्या चाहिए, द करंट प्राइस ऑफ निफ्टी 17,800 रुपीज, एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, एक अच्छी रेंज का मतलब बहुत हर्डल्स थे इस लेवल पे इन सबके ऊपर जाके क्लोज कर चुका है। मेरे हिसाब से अगर कल ये 17,830 के ऊपर जाता है तब भी आप एक लॉन्ग ट्रेड लेकर चल सकते हो, मेरे हिसाब से ये 18,000 तक तो इजीली चले जाएगा, और अगर डिप आती है तो इट्स वेल एंड गुड, तो हम लोग और अपॉर्चुनिटीज बाय करेंगे इस ट्रेड को लेने के लिए। बट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा और एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट कि अपने प्रीवियस हाइज तक चले जाए। अब बात करें छोटी चीज़ों की, अगर टेक्निकल एनालिसिस को हटा के देखें तो कहीं कंसर्न्स भी है। US का 10-year का बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है, DXY डॉलर इंडेक्स भी हमारा बढ़ते हुए दिखने को मिल रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लॉकडाउन का दोबारा शायद फियर आ सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए पर टेक्निकल्स की तरफ और ऑप्शन डाटा की तरफ फोकस करने जाए तो हमारे हिसाब से निफ्टी अपने प्रीवियस हाइज तक, लाइफ टाइम के हाई तक दोबारा जा सकती है। अब ट्रेड लेना कैसे है, ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम ट्राई कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से अगर ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, ये जो 17,830 का लेवल है, हम तब एक लॉन्ग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड FII का डाटा है, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। सो इस बैंक निफ्टी का हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक रेंज डेवलप करी है। सबसे पहले अगर हम टॉप्स को कनेक्ट करें तो ये हम लोगों को रेंज दिख रही है, बट इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम बात करें बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी और एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला था, और यहीं पर इसने एक डबल बॉटम भी क्रिएट करा था। आफ्टर दैट क्या हुआ, एक अगर हम लोग रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इसका बहुत ब्यूटीफुल हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा था, इस ब्रेकआउट पर हम लोगों ने ट्रेड भी करा था, मैं आपको दिखाता हूँ ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इस ब्रेकआउट पर हम लोगों ने एज अ फ्लैग पैटर्न का ट्रेड लिया था, दिस पैटर्न
हम लोगों ने यहाँ पर ये लाइव पे ट्रेड लिया था, लाइव मार्केट में हमें आया था ऑन मंडे को, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया, इसका ब्रेकआउट था इस लेवल पर, रिटेस्ट, एंड यहाँ से ऊपर हम लोगों ने ट्रेड भी लिया था, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया था। हमारा टारगेट्स था 35,900 का, बट उसके भी ऊपर जाते रहा जाते रहा, एंड इस रेंज पे आते रहा, और इसका भी फिर ब्रेकआउट दिया। सो मेरे हिसाब से मार्केट अभी अच्छी चल रही है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांगली ऊपर हायर लेवल्स पे ही क्लोज कर रहा है, आप क्लियरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर भी कोई विक नहीं है, अपने एग्जैक्टली डे हाई पे क्लोज कर रहा है, और आज भी डे हाई पे। सो मेरे हिसाब से जितने भी सेलर्स पुश करने की नीचे कोशिश कर ले, मार्केट ऊपर जाई जा रही है, और बायर्स का हेवी कंट्रोल है। सो मेरे हिसाब से वी कैन गो लॉन्ग, हमें से बाय ऑन डिप्स ढूंढना, अगर नहीं मिलता तो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जैसे ही जाता है वी कैन गो लॉन्ग एज वेल। अब बात करते हैं एक बार ऑप्शन डाटा की, और इसके बाद FI डाटा की। सो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन डाटा अगर हम लोग चेक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेवी पुट राइटिंग 36,500 पे देखने को मिल रही है, और उससे अभी 350 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कॉन्जिक्यूटिवली अगर हम लोग चेक करें तो 35,600, 700, 800 पे भी हेवी पुट राइटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये स्कॉल राइटर्स भी थोड़े बहुत 37,000 और 36,900, 800 पे एक्टिव है, बट डेफिनेटली कल भी अगर मार्केट ओपन होती है तो ये कॉल राइटर्स भी निकल जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से हमें चिंता की बात नहीं है, हमें सिर्फ बाय ऑन डिप्स करना है, बायर्स डेफिनेटली इन कंट्रोल है, और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी पे 18,000 में हम लोगों को सबसे ज्यादा हैवी कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 200 पॉइंट ऊपर है, और वहां तक की रैली हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,800, 17,700 पे हैवी पुट राइटर्स एक्टिव है, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स इट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। अब एक बार अगर FIA का डाटा चेक करें, तो FIA के डाटा में आप देख सकते हैं उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ है, 700 करोड़ की क्वांटिटी में बाय करा हुआ है, प्लस अच्छी चीज क्या हो रही है, 3 दिन से FIA कैश में भी बाइंग कर रहे हैं। पहले FIA का सिर्फ सेलिंग हमें देखने को मिलता था, बट लगातार 3 दिन से FIA दोबारा मार्केट के अंदर बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि FIA भी एंटर कर चुके हैं मार्केट के अंदर दोबारा से, 3 महीने से वो एंटर नहीं कर रहे थे और अब दोबारा एंटर कर चुके हैं, तो वाई वी आर वेटिंग, हमें भी बाय ऑन डिप्स के साथ सिर्फ मार्केट को लॉन्ग करना है और शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो शेयर करना चाहता था, तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या हमारा चैनल आपको इन फ्यूचर अच्छी चीज प्रोवाइड करवा सकता है, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।